लेकिन बोलते बोलते वो जरूर बोल गए कि कोरोना काल में एक अब बिहार में मात्र आरजेडी ही ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पे काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नजर नहीं आ रहा किसी भी दल का। नहीं, उनके हिसाब से हम सहमत नहीं है और लोगों को मदद पहुंचाया है। हमारे पास सूची है कितने लोगों के फोन आया, कितने लोगों को हमें मदद की, इसलिए इस बात से हम सहमत नहीं कि तेजस्वी जी को कहीं न कहीं कोई भ्रम हुआ होगा। जिन्होंने 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर है, सत्ता में है और उनके पास करोड़ों का बजट है। इस साल का भी 13,000 करोड़ का 7,000 का बजट है, कहाँ खर्च हो रहा है भाई। जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पहले के मामले में हुई है, उससे किसी भी पार्टी के लोग की बात छोड़ दीजिए, आम जनता भी सहमत नहीं है। उसको ये निर्णय अच्छा नहीं लगा सरकार का। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नजर नहीं आ रहा किसी भी दल का। हमारी पार्टी दफ्तर भी हम लोग देने को तैयार हैं, सरकारी बंगला भी देने को तैयार है, आर्थिक सहयोग देने को भी तैयार है। हेलो प्रेमचंद मिश्रा जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी न्यूज चैनल में। मेरा सवाल है आपसे कि क्या वाकई आप मानते हैं कि आरजेडी के अलावा कोई भी पार्टी जो है ये उसके नेता और वर्कर इस कोरोना काल में काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप ही के विपक्षी दल के मुख्य नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने लाइव कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आरजेडी के अलावा किसी भी पार्टी के वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े कार्यकर्ता, खासकर हमारा यूथ कांग्रेस, डे एंड नाइट काम कर रहा है और लोगों को मदद कर रहा है, जिसके साक्ष्य है हमारे पास। कितने लोग हॉस्पिटल बेड दिलवाया, ऑक्सीजन मुहैया कराया है। तो इसलिए ये कहना कि आरजेडी का सिर्फ किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। ये उनकी बात हो सकता है बीजेपी जेडीयू के बारे में बोल रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके इस बात में कांग्रेस पार्टी को अगर शामिल करके बोल रहे हैं तो इसको मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी जेडीयू का नाम नहीं लिया। अगर उनका इशारा बीजेपी जेडीयू की ओर होता, भले ही वो अपने पूरे फेसबुक लाइव में बीजेपी जेडीयू पे हमला करते हैं, नीतीश कुमार मोदी को उन्होंने आड़े हाथों लिया, लेकिन बोलते बोलते वो जरूर बोल गए कि कोरोना काल में एक अब बिहार में मात्र आरजेडी ही ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पे काम कर रही है। नहीं, उनके इस बात से हम सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हर जिला में हमारे कंट्रोल में बना है, पटना में हमारे कंट्रोल रूम है, यूथ कांग्रेस के लोग अलग से काम कर रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाया है। हमारे पास सूची है कितने लोगों के फोन आया, कितने लोगों को हमें मदद की है, इसलिए इस बात से हम सहमत नहीं कि तेजस्वी जी को कहीं न कहीं कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा क्यों हो जाता है प्रेमचंद मिश्रा जी कि कोई भी चीज हो गलती से ही सही हो सकता है? कल ही उन्होंने बैठक की थी तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ, तेजस्वी यादव की बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम रणनीति बनी सरकार को घेरने की, क्या क्या काम होना चाहिए, और आज बोलते बोलते अगर वो ये बोल जाते हैं तो एक भ्रम की स्थिति तो पैदा होगी ही ना जनता के बीच में। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं है, उनके कहने से थोड़ी होगा, किसी नेता के कहने से थोड़ी होगा। सच्चाई है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार है और सरकार फेल है और ग्राउंड पर बीजेपी जेडीयू के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, वो विभिन्न अस्पतालों में और जो क्लिनिक वगैरह हैं प्राइवेट, वहां भी उनके माध्यम से लोगों को मदद हो रही है। हम ऑलरेडी अभी के 1 घंटा पहले की बात बता रहा हूँ, यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट कुमार रोहित ने कुर्जी में जाकर ब्लड डोनेट किया है, किसी मरीज को चाहिए था। जो भी हमारे संपर्क में लोग आ रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनको मदद डे एंड नाइट कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं रही होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। लेकिन नहीं मानते हैं कि इससे, मेरा सवाल वही है कि अगर जानकारी एक तरफ जहां आप लोग साथ में वर्चुअल मीटिंग करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और उस दूसरी तरफ अपने पूरे 32 मिनट के संबोधन में ये कह जाना, कहीं ना कहीं एक लगता तो है कि कम्युनिकेशन की कमी है अपने विपक्षी दलों के बीच में, या विपक्षी दलों के बीच में भी क्रेडिट लेने की होर है कि सिर्फ हमारी पार्टी काम कर रही है, पूरा विपक्ष मिलकर काम नहीं कर रहा है या सहयोग नहीं कर रहा है? देखिए, वो एक विषय हो सकता है कि राजनीतिक दल के लोग ये चाहते होंगे कि क्रेडिट हम ले लें, लेकिन कोरोना त्रासदी के समय में जहां लोग परेशान हैं, जो जिसको मदद कर पा रहा है ना और जिसको मदद मिल रही है, वो समझ रहा है कि कौन पार्टी के कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसके लिए बड़ी तैयारी हुई और आज ही हमारी वर्चुअल मीटिंग अपने प्रभारी के साथ हुई है, जो 12 सदस्यीय उन्होंने कमेटी बनाई है कोरोना को लेकर।
हम 21 तारीख को हमारे जितने विधायक एमएलसी और एमपी हैं अपने अपने जिलों में दो दो एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, और जहां तक हो सकता है जो भी मेडिकल हेल्प चाहिए वो भी देंगे, और दवा देने के लिए लार्ज स्केल पर हमारी तैयारी चल रही है। ये कोरोना में मदद वाला दवाई होता है वो भी अलग अलग से देने जा रहे हैं और ऑलरेडी दे रहे हैं। अच्छा प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा एक और सवाल है कि जो पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई उस पूरे मामले पे कांग्रेस का अभी तक का क्या स्टैंड है, क्योंकि पहले तो तमाम दलों ने इसे गलत बताया, नीतीश कुमार को सभी लोगों ने आरोहा किया, लेकिन दूसरे ही दिन आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं, ये बीजेपी नीतीश कुमार और पप्पू यादव की मिली भगत है, नूरा कुश्ती है। क्या कांग्रेस भी मानती है कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है वो मिली भगत है सरकार और पप्पू यादव के बीच में? अब वो तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बताएंगे क्या चीज है, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पहले के मामले में हुई है, उससे किसी भी पार्टी के लोग की बात छोड़ दीजिए, आम जनता भी सहमत नहीं है, उसको ये निर्णय अच्छा नहीं लगा सरकार का, क्योंकि वो यहाँ ग्राउंड में काम कर रहे थे और सरकार की गड़बड़ियों को उजागर कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास दीदी, उनसे भी परसों पूछताछ की गई दिल्ली में, जबकि वो रोज कम से कम 10 लोगों को ऐसे संकट में है, लोगों को मदद कर रहे हैं जो दिख रहा है। तो ये सरकार के पैटर्न है बीजेपी जदयू का, अगर आप जनता के मदद में खड़े होंगे तो आपको परेशान करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि पूरे कोरोना काल के दौरान दो विपक्षी दल के नेता नहीं दिखे, एक तो आप कह सकते हैं फिलहाल एनडीए का हिस्सा खुद को मानते हैं चिराग पासवान, दो युवा नेता, और दूसरा तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी के नेता काम कर रहा हूं इससे भी मेरा इनकार नहीं है, आज वो फेसबुक लाइव पे भी आए, लेकिन विपक्ष ये जो सत्ताधारी दल के नेता है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दो युवराज जो है वो दिख नहीं रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस विपदा की घड़ी में कम से कम उन्हें खड़ा रहना चाहिए था? देखिए, विपदा की घड़ी में हर को खड़ा रहना चाहिए था, हर बात व्यक्ति हर पार्टी का आदमी जिसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता है उसे संकट में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे बन पा रहा कर रहा, जो नहीं कर रहा उसे जनता देख रही है। बीजेपी जदयू का नेता कौन मैदान में है? सवाल तो यहाँ आती है कि बीजेपी जदयू का कौन सा लीडर मैदान में काम कर रहा है? तो काम और सरकार के द्वारा गलतियां जो लगातार हो रही हैं उसको उजागर तो विपक्ष के ही लोग कर रहे हैं। सरकार अगर हॉस्पिटल ठीक से नहीं कर पाई, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाई, वेंटिलेटर है और उसको चढ़ने वाला नहीं है, यह तो बहुत बड़ी एक तरह से आपराधिक लापरवाही और बड़ी विफलता है सरकार की। जो लोग 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर है, सत्ता में है और उनके पास करोड़ों का बजट है, इस साल का भी 13,000 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का बजट है, कहाँ खर्च हो रहा है भाई? अगर हम लोगों को मदद नहीं कर पा रहे, आज हम लोग एम्बुलेंस देने जा रहे हैं तो खबर आ रही है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन होगा, उसके सैलरी कौन देगा, ये सरकार की तरफ से प्रश्न उठ रहा है। ये सरकार न काम करती है न किसी को करने देना चाहती है, लेकिन लोग संकट में है, हर व्यक्ति का दायित्व है मदद करें, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और लोगों को भी करना चाहिए। अब जो लोग नजर नहीं आ रहे हैं वो उनका लोग जानेगा, आम जनता फैसला करेगी इस लोगों के बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आईबीटीवी के साथ जुड़ने के लिए प्रेमचंद मिश्रा। थैंक यू।